कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। ओप्पो A16e को मैं लगभग 15 दिन तक यूज कर रहा हूँ। अब टाइम हो चुका है इसका डिटेल रिव्यू देने का। प्रोस एंड कॉन्स के साथ क्लियरली मैं आप लोगों को बताऊंगा ये फोन आप लोगों को खरीदना चाहिए कि नहीं। अगर आप मन बना रहे हो इस फोन को खरीदने के लिए, इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे खुलासा होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे हेल्प किया है मोबाइल प्लैनेट्स। अगर आप कोई भी स्मार्टफोन परचेस करने वाले हो, इस शॉप में आके परचेस कर सकते हो या इस शॉप से बुक कर सकते हो मोबाइल फोन। ऑनलाइन से बहुत कम प्राइस में यहाँ पे स्मार्टफोन मिल जाएगा और यहाँ पे हर एक बजट के फोन में आप EMI से परचेस कर सकते हो मोबाइल फोन, जो कि ऑनलाइन से नहीं कर पाओगे। और एक बड़ी चीज, इस शॉप में आके आप एक्सपीरियंस करके स्मार्टफोन बाय कर पाओगे और बहुत सारे डिस्काउंट के साथ स्मार्टफोन बाय कर पाओगे। अगर आप कोई भी फोन परचेस करने वाले हो, स्क्रीन में नंबर है, वहाँ पे कॉल करके मोबाइल फोन बुक कर सकते हो। शॉप का लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पे होम डिलीवरी का सर्विस है। सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 6.52 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, नीचे बेजल्स वगैरह ठीक ठाक है। मैंने इस फोन में बहुत ज्यादा मूवी वगैरह या वीडियो वगैरह देखा हूँ, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो वगैरह देखा हूँ। वीडियो का जो क्वालिटी है या वीडियो में जो कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह सैचुरेशन वगैरह जो आउटपुट हम लोगों को प्रोवाइड करता है ना, काफी अच्छा है। ऑब्वियसली इस प्राइस में बहुत कम ब्रांड है जो फुल HD ऑफर कर रहा है। खैर, इसका जो HD वीडियो का क्वालिटी है ना, वो भी बढ़िया है। वीडियो क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा ओप्पो यहाँ पे। आउटडोर ब्राइटनेस भी बढ़िया है, मैं कुछ टाइम तक आउटडोर में यूज कर रहा था, आउटडोर में भी काफी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा था। हैंड फील इसका बढ़िया है, हाथों में कंफर्टेबल फील देता है, लगेगा कि एक फोन पकड़े हो, क्वालिटी वाला फोन लगेगा। डिजाइन भी इसका बढ़िया है, बैक साइड की तरफ ग्लॉसी पैनल वगैरह दिया है, यूथ को टारगेट करते हुए इस डिजाइन को बनाया गया है और बहुत सारे यूथ को ये डिजाइन पसंद भी आएगा। थोड़ा बहुत हाथों का निशान वगैरह आ जाता है, लेकिन अच्छी चीज ये है आउट ऑफ बॉक्स इस प्राइस में भी ओप्पो यहाँ पे बैक केस दिया है। मैं कहूंगा बैक केस लगा कर रखना, वरना क्रैचेस वगैरह आ जाएगा ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। परफॉर्मेंस की तरफ देखोगे, MediaTek का चिपसेट यहाँ पे देखने को मिलता है। शुरू में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये फोन गेमिंग फोन नहीं है। ऑब्वियसली 10,000 के अंदर आप एक फोन खरीदोगे तो गेमिंग फोन तो नहीं है ना, गेम यहाँ पे खेल नहीं पाओगे। हाँ, फ्री फायर थोड़ा बहुत खेल पाओगे, लेकिन पबजी यहाँ पे घुसाओगे तो बंद हो जाएगा। तो पबजी यहाँ पे घुसाना मत, फ्री फायर थोड़ा बहुत चल जाएगा। गेमिंग के लिए ये फोन नहीं है, ये फोन अलग लोगों को टारगेट करते हुए बनाया गया है, जो लोग डे टू लाइफ के हिसाब से फोन को यूज करता है, यानी कि ऑफिस में जाता है, काम वगैरह करता है, थोड़ा बहुत कॉल वगैरह करता है, यूट्यूब में थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह देख लेना, उसी लोगों के लिए ये फोन बनाया गया है, गेमर्स के लिए नहीं है। सब फोन गेमिंग फोन नहीं होता है, अलग अलग कैटेगरी होता है। हमारे पास 3GB का रैम है, इसका जो रैम मैनेजमेंट है वो एवरेज है। कभी कभार एप्लीकेशन जहां पे छड़ा था उसी जगह से ओपन करता है और कभी कभार रिस्टार्ट भी करता है, तो 50-50 देना चाहूंगा इसके रैम मैनेजमेंट को। 4200mAh का बैटरी है, बैटरी काफी पावरफुल है। अगर आप डे टू लाइफ यूज करोगे, डेढ़ दिन से दो दिन आराम से जाएगा। अगर आप डे टू लाइफ यूज करोगे, कॉल वगैरह कर लेना, मैसेजेस वगैरह, थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह देख लेना, इस तरीके से यूज करोगे डेढ़ दिन आराम से जाएगा। लेकिन आप कंटिन्यू यूट्यूब में वीडियो देखोगे तो आपको डेढ़ दिन नहीं जाएगा, आपको वहां पे कम टाइम मिलेगा, 10 घंटा या 8 घंटे तक मिल सकता है, पूरा दिन भी नहीं चलेगा अगर आप कंटिन्यू मूवी वगैरह देखोगे। लेकिन अगर आप डे टू लाइफ यूज करोगे, डेढ़ दिन आराम से जाएगा। नॉर्मल चार्जिंग अडाप्टर 10 वाट का मिलता है, चार्ज होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, चार्ज होने के लिए लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे तक लगेगा ही। कैमरा के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकेशन वगैरह नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली कुछ कैमरा सैंपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। कैमरा सैंपल बढ़िया है, कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह सैचुरेशन वगैरह अच्छी तरीके से मेंटेन करता है और एक अच्छा आउटपुट आप लोगों को प्रोवाइड करता है। ऑप्टिमाइज इसका बढ़िया है, सेल्फी कैमरा में ज्यादा व्हाइट नहीं करता है बैकग्राउंड को, ज्यादा ब्यूटी नहीं करता है। जो लोग ब्यूटी नहीं पसंद करता है, उन लोगों के लिए ये फोन कमाल रहने वाला है। और ऐसे भी पिक्चर क्वालिटी इस प्राइस में इतना अच्छा प्रोवाइड कर पाना, वो भी बहुत बड़ी बात होता है जो यहाँ पे ओप्पो कर रहा है। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे इसका कैमरा कैसा है, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा इसका कैमरा बेस्ट है। 10,000 के आसपास जो सारे फोन मिलता है, अच्छा है, टॉप लाइन में गिना जाएगा इसके कैमरा को। अगर आप 10,000 के आसपास कोई भी कैमरा फोन लेने के लिए सोच रहे हो तो इसके पास जरूर देखना, जबरदस्त कैमरा है इसका। इस फोन में माइनस पॉइंट मुझे एक ही लगा है, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। फेस अनलॉक और पासवर्ड के जरिए आपको काम चलाना पड़ेगा। अगर फिंगरप्रिंट दे देता ना, और भी बढ़िया रहता और मार्केट बहुत कैप्चर भी करता, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है, क्या कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट को अगर छोड़ दोगे ना, ओवरऑल इसका जो फोन है वो मुझे बढ़िया लगा है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेगा कि इसी प्राइस में बहुत सारे फोन क्वाड कैमरा फोन ऑफर कर रहा है, लेकिन इस फोन में तो सिंगल कैमरा है। मैं आप लोगों को बता दूं, इस सिंगल कैमरा में जो कमाल कर रहा है ओप्पो इस फोन में,
वो इसी प्राइस में क्वाड कैमरा देकर भी कोई भी फोन काम नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप ये मत देखिए कि कितना ज्यादा कैमरा दे रहा है, ये देखिए कि कितने अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करके आपको प्रोवाइड कर रहा है। नेटवर्क वगैरह बढ़िया रहता है, मैंने कॉल वगैरह करके ट्राई कर चुका हूं, मेरे दोस्त को भी काफी अच्छी तरीके से सुनाई दिया था और मेरे को भी काफी अच्छी तरीके से सुनाई दिया था। सार वैल्यू भी लिमिट के अंदर ही है। आप बात करते हैं इस फोन को खरीदना चाहिए कि नहीं। इस फोन का जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज है और इस प्राइस में एवरेज है। अगर आप ओप्पो के फैन हो, ओप्पो के ही फोन खरीदना चाहते हो, इस फोन को देख सकते हो, ओप्पो की तरफ से एक अच्छा डील है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।